हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो भाई, जो आप ये बैटरी देख रहे हो, जो कि एक्साइड की 5LB बैटरी है, जो कि 24 मंथ फ्री कॉस्ट रिप्लेसमेंट के अंदर आती है बैटरी, और 24 मंथ प्रो डाटा के अंदर आती है। प्रो डाटा पे MRP पे डिस्काउंट मिलता है बैटरी पे। मैं आज एक्साइड की बैटरी ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बैटरी फुल गई है, ओवर चार्जिंग होने की वजह से फुल गई है बैटरी। ये आप देख सकते हो, और पीछे से आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, यहाँ से जमा प्लेन होती है बैटरी, और ये देखो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। जिस बाइक में लग रही थी, डिस्कवर बाइक में, तो उस बाइक की बाइक का चार्जर लगातार बैटरी को चार्ज करता रहा और बैटरी ऐसे फूल गई है। ऐसी पोजीशन में बैटरी रिप्लेस भी हो सकती है, इंजीनियर बताएंगे। वो पहले बैटरी को चार्ज करेंगे। ये गलती है कस्टमर की, इसमें कंपनी वाले एक्सचेंज भी कर सकते हैं या इसी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं बैटरी को ऐसी पोजीशन में, क्योंकि कस्टमर की गलती है। क्योंकि बैटरी फूलना, चार्जर लगातार काम करता रहा और चार्जर ने कट नहीं मारा बाइक के, तभी ये बैटरी फुली है। ये देख सकते हो, ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है बैटरी। ये हर एक बैटरी फुल सकती है, चाहे वो देसी भी हो, चाहे बैटरी लगा अगर चार्जर लगातार काम करता रहता है तो। जैसे बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो अपने आप कट मार जाता है चार्जर। अगर चार्जर कट नहीं मारता तो ऐसे फुल जाती है बैटरी। ऐसे किसी बैटरी के साथ हो सकता है, वो चाहे किसी भी ब्रांड की हो बैटरी। ये एक्साइड की है, चाहे देसी भी हो वो भी फुल सकती है। कंपनी में मैंने पहली बार देखा है कि एक्साइड की बैटरी पहली बार फुली है, वो भी बाइक की। फुलने में है हमारी बैटरी। अब मैं इसको कंपनी में भेजूंगा बैटरी को, और कंपनी वाले इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं बैटरी को, और रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर किसी भाई का इस वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।